तो गाइस फाइनली मुझे क्रेन 3S प्रो मिल गया है। ये जो क्रेन 3S है ये है प्रो वर्जन। इसमें एक और वर्जन आता है जिसका नाम है क्रेन 3S। इसमें काफ़ी एक्सेसरीज दी गई है। इसकी जो कीमत है वो लगभग 79,035 रुपीज़ है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। ये जो गिम्बल है इसको मैंने प्लेस किया था 26 को imsuper.com वेबसाइट पे, और वहाँ से जो है 2 डेज के अंदर, एक्चुअली मैंने 26 शाम को ऑर्डर प्लेस किया था और 28 को दोपहर में मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो अपने घर पे डिलीवर हो गया। और इसको जिसने डिलीवर किया उसका नाम भी delivery.com है। तो प्रोडक्ट तो दिख रहा है काफी अच्छा, तो चलो इसको खोल के भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। भाई कैसे खुलता है, कैसे पैकिंग करने में एक साल लग जाएगा मेरे को। ओ भाई पैकिंग क्या मजाक किया है, भाई फर्स्ट टाइम पैकिंग खोल रहा हूं। चलो भाई जैसे भी खुला खोल देते। तो सबसे पहले रैपर निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमको मिलता है ये क्या है, ट्रांसमीटर साथ ये मोबाइल होल्डर है, इसके बाद माँ की आँख और बैटरी पैक है, इसके बाद जो है हमारे पास और जूम मोटर है, तो ये केबल भी अपने पास आ गया, हैंडल है अपने पास। ओ माय गॉड कड़क मैन, निकल भाई जल्दी निकल बहुत दिन। ये रहा हमारा क्रेन 3S प्रो। सो बेसिकली क्रेन 3S प्रो का फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारे हमको एक्सेसरीज मिल जाते हैं। तो ये एक्सेसरीज जो है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं अगर आप इंडिविजुअली लेने जाओ तो। तो 3S प्रो का ये फ़ायदा है, अगर 3S लोगे तो ये काफ़ी चीज़ है जो उसमें नहीं मिलती है। तो मुझे यहाँ पर बैटरी भी मिल गई, इससे मैं अपना मोटर को एक्स्ट्रा पावर भी दे सकता हूँ, एज वेल एज़ ये बैटरी से मैं अपने जो कैमरा है उसको भी मैं अच्छे से पावर अप कर सकता हूँ। काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सेसरीज देखते हैं, उसके बाद हम क्रेन 3S प्रो निकालेंगे। यहाँ पे केबल है, HDMI टू मिनी HDMI केबल है हमारे पास, ये मिनी HDMI है दोनों साइड पास जो है, ये आप देख सकते हो मिनी HDMI टू माइक्रो HD। सही है भाई, 3 केबल इसमें दे दिया है, इसकी कैप में रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमें 3 वायर मिलते हैं इसमें, एक तो माइक्रो, एक तो मिनी और एक तो HDMI, 3 हम लोगों को वायर मिलते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास है ये हैंडल है आई थिंक। ओ भाई कड़क, कैसे सब यूज़ करना है इसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, अभी इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पूरा इसका रिव्यू करके दिखाएंगे। जीवन का प्रोडक्ट कड़क रहता है यार, मस्का एकदम। अरे माँ फट गए। तो मोबाइल माउंट अच्छा है यार, क्वालिटी भी अच्छा है इसका, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, नाइस। के बाद हम बात करते हैं, आप देख सकते हो क्रेन 3S प्रो सर्वो जूम एंड फोकस मोटर है हमारे हाथ में। एक्चुअली कैसा होता है कि जब आप जूम या फोकस करते हो तो बेसिकली आपको एक फोकस पुलर रखना पड़ता है जो आपके फोकस को पुल करता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कैमरे होते हैं जो बड़े बड़े सिनेमा कैमरे होते हैं उसमें ऑटो फोकस नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत काम आने वाली है अगर मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ, लेट्स से अगर ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा हूँ या फिर रेड कोमोडो यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत हेल्प करेगा मेरी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, मैं जूम और फोकस एट द सेम टाइम मैं दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ गिम्बल पे डायरेक्टली। कड़क है यार प्रोडक्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। इसको भी देख लेते हैं क्या है। अनबॉक्सिंग में अपन कच्चे हुए, जब भी अपने को ऐसा कुछ चीज़ आता है तो अपन इतना सिंपल था, मैं ऊपर से खोल रहा हूँ। ओ भाई ये रहा फोकस और जूम मोटर, तो आप देख सकते हो। अच्छा ये फोकस मोटर है, इस पर क्लियरली लिखा है, आप देख सकते हो क्लियरली इस पे लिखा हुआ है फोकस मोटर। तो ये एक हो गया हमारा फोकस मोटर, सेकेंड हमारा हो गया लिखा है फॉलो फोकस एंड जूम मोटर, ठीक है दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आई थिंक, काफ़ी बढ़िया है। के साथ हमें आई थिंक कुछ वायर्स भी मिले हुए हैं। ओ भाई अच्छा वायर्स नहीं ये, ओके बेसिकली ये जो है ये लेंस होल्डर है। कभी कभी क्या होता है जब कैमरा हम लोग माउंट करते हैं और लेंस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको आप होल्ड कर सकते हो इस पर, ताकि लेंस जो है उसके ऊपर दिक्कत ना हो, लेंस हिले ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसमें 4-4 दिया गया है, तो मेरे पास जैसे कि ट्विन 70-200 है 2.8 लेंस कैनन का, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। चलो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो इसके अंदर और चीज़ है कुछ तो, ओ भाई पाइप्स। ओके ये पाइप जो है बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है कि लेट्स से अगर कोई मोटर, कोई भी अगर ये मोटर है या फिर कोई भी एक्सटर्नल मोटर अगर मुझे माउंट करना है गिम्बल पे, इसको स्क्रू करके अच्छे से टाइट करके यहाँ पे मैं उसको माउंट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे वाले में मेरे पास बड़ा वाला भी है, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही रख देता हूँ जो बॉक्स में पैक होने वाला। ओके एक चीज़ और है इसमें, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो ये जो चीज़ है बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो लेंस होता है वो फोटो लेंस होता है नॉर्मली, और जो सिनेमा लेंस होता है उसके जो ग्रिप्स होते हैं वो इस तरह होते हैं। अगर ये मोटर हमको ठीक से चलाना है
तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। लेंस पे हम लोग को माउंट करना है, फिर उसके बाद उसको इजीली हम लोग जो है इस पे अटैच करके अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ केबल्स है, जैसे कि दो केबल्स है, आई थिंक फोकस और जूम मोटर के लिए है। दैट्स इट। अभी बात आती है सबसे ज्यादा, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास कैमरा होता है बट वो कैमरे की जो फीड है वो हम देख नहीं पाते। काफी जो कैमरा होता है उसका जो मॉनिटर होता है, जो पीछे की तरफ मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर जो है वो टिल्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स मॉनिटर होता है। तो ये जो चीज है ये बेसिकली करेगा क्या, ये आपकी जो HDMI का आउटपुट है उसको ट्रांसमिट करेगा। उसको आप ट्रांसमिट करके मोबाइल फोन पे भी देख सकते हो उसका स्क्रीन डायरेक्टली विदाउट एनी वायर कनेक्ट किए। भी हम खोल लेते हैं, देखते भी हमको ऐसे पुल करना है। टें टें। ओ भाई क्या प्यारी चीज बनाई यार, कड़क एक नंबर। ऐसी चीज रहेगी तो कोई भी क्यों नहीं परचेस करेगा, कितना प्यारा है देखो। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ग्रिप भी दिया हुआ है, ये हम लोग डायरेक्टली गिम्बल पे माउंट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें इनबिल्ट बैटरी भी है। यहाँ पे जो है HDMI पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे माइक्रो USB भी दिया हुआ है पोर्ट। और इसके साथ हमें मिलता है ये इसका आई थिंक बेस प्लेट है। तब ये कैसे यूज करना है इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। कि इसमें भी काफ़ी केबल्स ये लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इसमें स्क्रूज है और एलेंकी दिया हुआ है, आई थिंक इसको जो है माउंट करने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमको मिला है केबल, USB टू माइक्रो USB है केबल ये। और ये वाला वायर जो है वो टाइप सी टू माइक्रो USB है। ये वाला कौन सा केबल है पता नहीं, माइक्रो USB टू मिनी HDMI है। दोनों साइड माइक्रो USB दिया हुआ है। नाइस। ओके, अब आया हमारे पास जो फाइनल चीज है वो ये है। तो देखते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पता है बैटरी में होती है। साला हमारे पास ब्लैक मैजिक 6K है, इसमें बैटरी मतलब विद इन 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग ने एक सोल्यूशन निकाला, बड़ा 25,000 mAh का बैटरी लगाया इसमें, वो भी हार्डली 1-2 घंटा चलता है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा पावर खींचता है ब्लैक मैजिक, इसके लिए मैंने प्रो मंगाया ताकि इसमें जो बैटरी मिलता है एक्स्ट्रा बैटरी, उससे भी मैं ब्लैक मैजिक को पावर दे सकता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या बात है भाई, कितना हैवी है ये, कड़ाक एक नंबर। ऐसे सब डिवाइस होते हैं ना बहुत प्यारा लगता है। देखो इसमें बैटरीज दिए हुए सब, इसमें इतने बैटरीज दी हुई, वो रहता नहीं क्या बोलते हैं अपन, तोप बीप छोड़ दे तो उसमें जो गोले रहते उस तरीके की बैटरी है ये। 6 बैटरी हमको मिलती है और ये इसका लाइक पावर बैंक टाइप है, इसमें अपने को बैटरी पुश करना है। और यहाँ से जो अपने को इनपुट मिलता है टाइप सी का, यहाँ से DC आउटपुट है और यहाँ पे 5 वोल्ट का एक आउटपुट दिया हुआ है। बैटरी को वापस डाल लेते हैं। क्या होता है ना, जो ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। इसमें और भी कुछ चीज़ है, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। ओके, ये प्लेट है हमारे पास। अच्छा, वी माउंट टाइप कुछ समथिंग है। अच्छा, ये हमको यहाँ पे माउंट करना है। अब देख सकते हो इसको हम लोग इस तरह से माउंट कर सकते हैं। और ये जो है ये आई थिंक उस पे गिम्बल पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे माउंट करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है बॉक्स में है, बॉक्स खोलना बोले तो बहुत दिक्कत वाला है। इसमें भी कुछ वायर्स दिए गए, ये हमारे पास टाइप सी टू USB है। उसके बाद हमारे पास डी टैप का केबल है, आइडिया हो जाएगा। ये क्या है भाई, पोटली? अरे फक, ये क्या पोटली दिया हुआ है? अच्छा, ये सेफ्टी के लिए। नाइस यार, वेरी नाइस। इसको डालो अंदर, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमारे सारे एक्सेसरीज हो गए, हमने देख लिया ये एक्सेसरीज क्या क्या है। यहाँ पे काफ़ी एक्सेसरीज है जो यहाँ पे दी गई है। तो ये हमारा हो गया। तो इतने सारे एक्सेसरीज जो है वो हमें क्रेन 3S प्रो में मिलते हैं। जो नॉर्मल वाला क्रेन 3S है बेसिकली उसमें एक्सेसरीज नहीं होते इतने सारे, प्रो में जो है वो आपको एक्सेसरीज मिलते हैं। तो कोशिश करना प्रो ही परचेस करें, ना कि 3S। और अभी ये डब्बा खोलते हैं, लेट्स गो। इसको ओपन करने का मजा ही कुछ और है। ये हमारा पेटी क्रेन 3S का फाइनली आ गया। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, को यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इसको अपने को यहाँ से खोलना है, उसके बाद क्या करना है भाई, उसके कुछ करना है क्या? ओपी भाई ओपी, ये हमारा है क्रेन 3S प्रो फाइनली हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले, ओ भाई पूरा ही सेट है क्या ये एक साथ? की आँख को जब पकड़ के शूट करें मजा आएगा, कड़ाक में। अब इसके साथ हमको क्या मिलता है, हैंडल। ये क्या है भाई, ऐसी ऐसी चीज़ इसमें दी है ना, ये समझ में भी नहीं आता मुझे। अच्छा ये हैंडल है आई थिंक, ओके। अच्छा यहाँ पे माउंट करने, तो इसमें हमको ये हैंडल मिला है। ग्रिप को ये 3 बैटरीज मिलते हैं यहाँ पे, ये 3 बैटरी जो है वो हमको यहाँ पे मिलते हैं। सेम बैटरी हमने वहाँ पे देखा था, 6 बैटरी मिलती है। आई थिंक ये बैटरी यहाँ पे यूज़ होती है,
मैंने देखा था कहीं तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगती है बैटरी। ये बैटरी को इसमें यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो क्या, यूज़ करना ही है। बैटरी का एमएएच है वो 26,000 mAh है। तो के बाद हमको मिलता है, के बाद हमको मिलता है यहाँ पे ये बेस प्लेट। जो मैं पाइप्स की बात कर रहा था ना, जो पाइप्स हमको मिला है वो यहाँ पे अटैच करना होता है, ताकि आप जो है फोकस मोटर और जूम मोटर यूज़ कर सके। उसके बाद हमको मिलता है यहाँ पे ये हैंडल, जो आई थिंक मैं इसके नीचे माउंट कर सकता हूँ यहाँ से। उसके पहले हम देख लेते हैं, इसमें भी पाइप दिया हुआ है। प्रो में हमको एक्स्ट्रा पाइप्स मिले हुए हैं और इसमें भी हमको एक्स्ट्रा दो पाइप्स ऑलरेडी दिया हुआ है यार। के बाद हमारे पास एक दिया हुआ है, ये क्या है भाई, नया चीज़, नया आइटम। ओ बैटरी चार्जिंग, तो अब इसके ज़रिए बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। तो आई थिंक रिचार्जेबल बैटरी है सब, रिचार्जेबल होना ही चाहिए वैसे भी, ठीक है। के बाद हमारे पास ये प्लेट है, आई थिंक प्लेट यहाँ पे कहीं पे यूज़ होगा। इसके बाद हमारे पास है ये, ओके सो बेसिकली ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो मेरे को सबसे बड़ा पंखा किधर हो रहा था, कि काफ़ी चीज़ जो है हम लोग माउंट करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो अपना एक्सटेंडर है बेसिकली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसमें एक फीचर दिया गया है, आपको यहाँ से स्क्रू खोलना है, यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये जो नट है ये खुलता है और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो चीज़ है, इसको हम एक्सटेंड करोगे, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ये जो चीज़ है यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये चीज़ को हम लोग, इसको स्क्रू निकालना है और उसको हम अटैच करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ज़्यादा, तो ताकि जो हमारा कैमरा है उसमें, अगर हैवी कैमरा भी है और उसमें बहुत सारे वी माउंट बैटरी फिर अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ किया है, तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो ये जो माउंट हम लोग करेंगे तो इसका भी लेंथ जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ताकि वो हम लोगों को दिक्कत नहीं देता है। ग्रिप भी बहुत अच्छी खासी दी गई है। ये हमारा जो है, ये क्या है भाई, ये भी एक बेस प्लेट दिया हुआ है इसमें, बेस प्लेट बहुत ज़्यादा दिया है। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ये लेंस होल्डर है बेसिकली, इसको लेंस को ये होल्ड करके रखता है। कभी कभी बड़ा लेंस जो हमारे पास होता है, कैमरे का जो वेट है ज़्यादा लेंस का वेट होता है, तो लेंस क्या करता है आगे उसको नीचे पुश करता है, इसकी वजह से थोड़ा वोबल इफेक्ट आता है। तो ये जो है हम लोग उसमें अटैच करके उसको ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, एंटी मोल्ड पैकेज टर्मिनेटर डू नॉट बी पी आर ई पी आर ई पी ए बी रिच, पता नहीं क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है ये बॉक्स, और ये बॉक्स में हमको मिलता है फिर से, ओके सो बेसिकली जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, किधर गया, इसको एक्सटेंड करेंगे इसके साथ, तो इसके अंदर जो है हम लोग इसको डाल के, जो वायर है जिसके साथ वायर होता है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ इसमें लग जाता है, स्क्रूज और एलिंकीज है। उसके बाद इसमें भी हमें कुछ यूएसबी केबल मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है टाइप सी के केबल्स है। ये बॉक्स में और कुछ नहीं है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। तो इतने सारे केबल्स जो है हमारे पास है, प्लस बहुत सारे एक्सेसरीज है। तो गाइस जब भी आप खरीदो तो क्रेन 3S प्रो ही खरीदो, ना कि क्रेन 3S, बिकॉज क्रेन 3S प्रो में आपको इतनी सारी एक्सेसरीज मिल जाती है जिसके ज़रिए आप जो है क्रिएटिविटी खुद अकेले ही कर सकते, नहीं तो आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो फोकस पुलर के लिए अलग हो या फोकस मोटर के लिए अलग हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद से कर सकते हो अगर आपके पास ये सारी एक्सेसरीज हो तो। तो जब भी परचेज़ करना क्रेन 3S प्रो ही करना, ना कि क्रेन 3S। और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा iamstudent.com वेबसाइट से ही परचेज़ करना, क्योंकि इनकी जो डिलीवरी है बहुत फास्ट है। मैंने 26 को जो ऑर्डर प्लेस किया था वो भी शाम को, और 28 को दोपहर में जो है मुझे हैदराबाद से मुंबई में डिलीवर कर दिया गया। तो उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, और डिलीवरी जो .com है, जो कुरियर सर्विस है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने बहुत ही फास्ट जो है डिलीवर मेरे घर पर कर दिया। तो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।